ये छोटा सिलेंडर लग गया है यहाँ से। क्लाउड हो चुका है, क्लाउडी क्लाउडी हो चुका है, ये बादल से आ रहे हैं। हो सकता है बारिश वारिश आ जाए, तो बारिश आ जाएगी तो थोड़ी ठंडक हो जाएगी, अच्छा मौसम हो जाएगा। चूल्हा तो है यहाँ पे भरा हुआ, लेकिन गैस का है, ऊपर वाला बर्नर नहीं है बोल रहे हैं, साइड वाला है, तो देखते हैं कौन सा साइड वाला है। और एक ये भी लेना है मुझे, इससे पुश करके ना पानी आता है। रेगुलेटर भी लगेगा इसके साथ? रेगुलेटर अलग आएगा, रेगुलेटर पाइप दोनों है, तो ये तो ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा शायद। ठीक है, सबसे अच्छा है घर में यूज करना है ना आपको। ये पाइप ले लिया और रेगुलेटर ले लिया, पर आता तो थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। कितना कम होता है? ₹500 तक आता है। और वो 550 होता है, स्टैंड भी आता है, रेगुलेटर नॉब दोनों होता है। ये एक्स्ट्रा पड़ गया ऐसे ही मारते हैं। यहाँ से लेके जा रहे हैं और ₹2800 का पड़ा मेरे को सारा कुछ। तो अभी फटाफट जाना है क्योंकि आधी सब्जी बनी पड़ी है, तो फिर लेना था तो लेना ही था, तो फिर लेके जा रहे हैं। किचन तक पहुँच गया है, भैया आए हैं तो यहाँ फिट करके चले जाएंगे। ये छोटा सिलेंडर लग गया है यहाँ से। आपके सामने श्री गणेश करते हैं, ओम गण गणपते नमः। सबसे बढ़िया क्या हुआ कि आप ₹500 ज्यादा लगे, लेकिन ये सब काम आ जाएंगे भैया, ये नॉन स्टिक का भी काम आ जाएंगे, क्या है ना, परमानेंट काम हो गया। कल यार लाइटें वाइटें लगाई नहीं, तो वो बच गई। माता रानी ने कहा कि यार तू दिए लगा ले, लाइटें वाइटे में क्या पैसा खर्चा करेगा, तो अगर लाइटें वगैरह लगाता तो कम से कम ₹800-1000 पड़ जाते हैं इलेक्ट्रिशियन लगा के, सारा फिटिंग विटिंग करा के, तो वो पैसे बच गए, तो वो इसमें लग गए। तो अभी जब तक कुछ हाथ में नहीं आता है तब तक थोड़ा बजट में चलना जरूरी है। टॉवल चढ़ाया हुआ था, आधा गर्म हो रखा था, ये आपने देखा ही कैसे शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो गया था। तकलीफें तो आती है लेकिन उसके सॉल्यूशन भी है, तो फिर घबराने का नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, एक लंबा सांस लेने का है, फिर सोचने का है कि अब इसका ऑप्शन क्या है, तो फिर जो ऑप्शन है उस तरफ जाने का है, कुड़ कुड़ करने का नहीं है। तो पैसे बचते नहीं है मेरे, तो पहली बार में जो सही सॉल्यूशन है ना वो कर लेना चाहिए। तो ये इस बार भी ये साबित हो गया कि भैया पैसे तुम्हारे बचेंगे नहीं है, जो चुपचाप है सीधे रास्ते से चलो और ले लो। तो लास्ट में जाके वही हुआ जो इतने दिन पहले होता ना, कि वो ले लेके घूम रहा था, आ रहा था, पता नहीं जो आपने देखा उससे पहले दिन ही ले लेता और ये सब हो जाता, तो फिर जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है। लास्ट में जाके वही करना पड़ा, तो ऐसा ही होता है, लास्ट में जाके मुझे वही करना पड़ता है। और आज है 5 तारीख, दिवाली के बाद का दिन है, तो 5 नवंबर है, और 5 नवंबर में हमारा चूल्हा जला है और हमारा गैस आ गया है। वैसे तो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ है कि पूरा गैस कनेक्शन ले लिया जाए और 3 चूल्हों का 1 स्टोव लिया जाए, तो वो भी धीरे धीरे होगा, माता रानी कराएगी। यहाँ तक पहुंचाया तो आगे भी पहुंचाएगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। चावल बन के रेडी, गर्मा गर्म, थैंक यू। सब्जी की तैयारी शुरू करते हैं और फटाफट कुकर में चढ़ाते हैं और फटाफट बनाते हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, तो फिर ये गैस लेने के बाद फिर मैं भी आत्मनिर्भर हो गया हूँ खाने के मामले में। मैं अभी पनीर काट के डाल देंगे अमूल का, तो प्रोटीन हो जाएगा, और इसमें लौकी है, आलू है, टमाटर है, सब कुछ है, तो एक ही सब्जी बना रहा हूँ। पनीर की सब्जी अलग से बनाओ, लौकी की सूखी सब्जी अलग से बनाओ, आलू का कुछ अलग से बनाओ, भैया उसकी जगह एक ही साथ में, क्योंकि पेट तो एक ही है ना, अलग अलग खाचे नहीं है, सब एक ही जगह जाने हैं, जब खाने के बाद तो एक ही जगह पहुँचना है। तो इसी तरह से मैं सब्जी को उस तरह से करता हूँ कि सारी चीज़ें एक ही सब्जी में आ जाए और टाइम भी कम लगे। और इससे क्या होता है पता है, तेल कम लगेगा, नमक कम लगेगा, गैस कम लगेगा, सब चीज़ें पेट में ना तेल मसाले भी कम जाएंगे, तो उस हिसाब से एक ही में टाइम भी कम लग रहा है और आपको हेल्दी भी मिल रहा है। तो अभी लंच भी हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा, हो सकता है कि इतना ज़्यादा मैं बना लेता हूँ कि हो सकता है कि कल का लंच भी हो जाए। और उसके लिए मैं कह रहा था ना कि ये फ्रिज का होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाती। तो अभी फ्रिज आ गया है, तो भैया पिछली बार भी जो मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी ना पनीर के साथ, तो फिर मैंने डिनर भी किया था, फिर मैंने लंच भी किया, फिर अगले दिन का डिनर भी किया। अभी ये सब्जी यहाँ पे उबलने लगी है, तो अब ये पनीर मैं इसमें डाल दूंगा, तो बस यही खेल है, ढक्कन लगा देंगे, फिर सीटी मारेंगे, 3 से 4 सीटी मारेंगे और अपनी सब्जी डन। आप एक टोकरी लानी पड़ेगी जिसमें बर्तन धो के रखना है, अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा, 50-50 रुपए में मिल जाता है, तो अलग अलग सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो ये सब भी लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा फिर ये थाली वगैरह, और जो धीरे धीरे लाना पड़ेगा और लेके आएंगे, इधर ये सारा कुछ हो जाएगा। और इससे क्या है ना कि गैस आने से ये वाली कढ़ाई काम आ जाएगी। नहा धो के बैठा हूँ और अभी तक खाना नहीं खाया, खाना खा लेता हूँ, 5:30 बज गया है। और ये देखो मस्त बन गई है, पनीर भी है, लौकी भी है, सब कुछ है।
हरी मिर्च ले लो और नींबू का होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे इसके साथ ना नींबू का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त जाता, थोड़ा खट्टा। और ये एडिट चल रहा है और चाय वाय पीने के बाद मैंने एडिट शुरू की और अभी 11:30 बज रहा है। डिनर नहीं किया है क्योंकि आज लेट हो गया, आपने देखा ही है कि 5 बजे तो मैंने लंच किया था। नाइट में मैं थोड़ा हल्का ही खाता हूँ तो थोड़ा सा खाऊंगा, 2 बजे तक मैं एडिट करूंगा। हाँ, 3 वीडियो आए हैं, ये चौथा वीडियो मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारा कॉन्टेंट है तो मेरे पास मतलब फालतू टाइम नहीं है अभी। तो ये भी एक काम है, अगर सीरियसली अगर ब्लॉगिंग करना है साइड बाय साइड तो फिर इसमें भी टाइम देना पड़ेगा। और ये भी एक काम है, अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो गए तो इससे भी पैसे आते हैं। लोगों ने अपना ना पूरा पूरा फुल करियर इसी से बनाया है। तो देखते हैं, चारों तरफ से चीजें हैं, मल्टीटास्किंग चल रही है कि माता रानी जीवदानी माता जी और भोलेनाथ क्या कराएंगे तो वो तो वही जानते हैं। तो कर्म करना अपने हाथ में है। फिर कल सुबह मिलते हैं, आज के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सो के उठा हूँ, 7:30 हो रहे हैं, पानी आ गया है और हमारी मेड भी आ गई है, बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी। सुबह सुबह इसलिए कैमरा ऑन किया हूँ कि मौसम बदल गया, हालात बदल गए और यहाँ का मौसम हो गया है एकदम से औसम। दिखाता हूँ मैं आपको, कल तो बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है। कल दोपहर को कह रहा था जब नीचे उतरा था कि बारिश होगी, लेकिन रात को हुई है, मतलब ज्यादा नहीं हुई है, हल्की हल्की हुई है, लेकिन अच्छा मौसम बन गया। और अभी मार्केट आ गया हूँ, मार्केट क्या है, नीचे ही उतर के आ जाओ तो दुकान है, तो अभी दूध लेना है, दूध खत्म हो गया है, नाश्ते का सामान लेने आया हूँ। गुड मॉर्निंग बन्ना जी। गुड मॉर्निंग। अभी भी एकदम मस्त मिठाइयाँ सब्जियाँ भी लेनी है और यहाँ से दूध अंडा टमाटर लेते हैं, ले लिया ये देखो। आज तो ऑमलेट बनेगा क्योंकि ये फ्राई पैन काम करेगा, गैस आ गया। फिर अपने एडिट पे लगते हैं, पारा कॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं काम के सिलसिले में। और देखो ये सोसाइटी ना पूरी भरी हुई है भाई, यहाँ पे ना गाड़ी ही गाड़ियाँ, अपनी बाइक वाइक या गाड़ी आएगी तो कहाँ रखेंगे, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कहाँ बचोगे, अभी तो एकदम मस्त वाला ऑमलेट बनाते हैं। पावर वाले अंडे साफ सुथरे होते हैं, थोड़ा अच्छा होता है, क्रीम रोल टाइप है। कभी कभी इच्छा होती है तो ये ले आया। ये देखो सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये सोयाबीन है, ये भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिर केला है साथ में। नया पैन है तो गर्म पानी करके, मतलब पानी डाला है उसको गर्म करने रखा है, थोड़ा सा नमक डाला है तो सीजनिंग कर रहा हूँ, मैल वगैरह होगा वो सारा निकल आएगा। मस्त ऑमलेट बनाए, फूला हुआ था लेकिन हवा निकल गई, अभी थोड़ी देर होगी। और जो पहले इंडक्शन में प्रॉब्लम होती थी ना वो खत्म हो गई। चाय का पानी ये रहा, अदरक डाल दिया है इसमें और ये अपना नाश्ता फाइनली रेडी हो गया। चाय, ब्रेड, केला, ऑमलेट, तो ये सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट मतलब फास्ट से फास्ट को ब्रेक करना। तो मैं वही कह रहा था कि अगर सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाए तो पूरे दिन भर मतलब बहुत अच्छा जाता है। लो दोस्तों, और नहा धो के अच्छा बच्चा बन गया हूँ, गड़बड़ हो गई तो भैया कमर में चनखा आ गया, बहुत बुरी तरीके से क्रैम्प आ गया है, इधर से उधर भी नहीं किया जा रहा है। गर्म पानी और पानी का जो ट्रीटमेंट है वो किया है मैंने। मॉर्निंग दोस्तों, 9 बज रहे हैं, किचन मेरा अभी जागा नहीं है अभी तक। जो मैं बता रहा था ना कल जो चनखा आया था, तो अभी पहले से बेटर है लेकिन थोड़ा खड़े रहने में और ज्यादा देर खड़े रहने में और झुकने उकने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और आज भी मौसम क्लाउडी है, कल तो बारिश हुई थी सुबह सुबह। और ये गार्डन है जो ऊपर से मैं दिखाता था ना, साइटी बड़ी है तो इधर भी एक छोटा सा गार्डन है, फिर इधर से भी एक छोटा सा गार्डन है, इधर से एक गेट है पीछे का और इधर से एक गेट है और फ्रंट गेट और सामने है। तो जब मुंबई से पवई से यहाँ शिफ्ट हुए तो ये सामने वाले बिल्डिंग में रहते थे, तो वो भी अग्रवाल का है। ये 5 कपड़े हैं, इस वाले घर पे जब रहते थे हम फ्लैट पे थे तो यहीं पे आता था कपड़ा, तो यहाँ पे अब भी यहीं पे आता है। तो ये पीछे वाला गेट था तो यहाँ से हम शूट करते हुए यहाँ से निकलते थे मितुअर में, नाश्ता पैक करा के लेके जाते हैं। तो अभी थोड़ा चल रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा चलना फिरना ज़रूरी है, तो फिर चलते हुए संगीत के वहाँ जाऊँगा तो मुझे लग रहा है थोड़ा खुल जाएगा, तो कल से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। पैक करा लिया है यहाँ से अपना साउथ इंडियन जो नाश्ता है, तो घर में जाके चाय बनाएंगे और फिर इतना। आज मौसम बहुत ही औसम हो गया यार, कल भी मौसम औसम था और बहुत ही क्लीन सोसाइटी है और ऐसा नहीं है कि गंदगी है। चलो आज गार्डन के अंदर से चलते हैं, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो ये बेंच वगैरह लगे हुए हैं देखो, ये यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। जो अपना फ्लैट है इधर ऊपर,
इस साइड है, तो वहीं से किचन से मैं दिखाता हूँ। आज मैं अपनी सोसाइटी का टूर दे रहा हूँ और साइकिल वगैरह देखो लोगों ने नीचे रखे हुए हैं, लेकिन इसका शायद अलग अलग फ्लैट का पार्किंग लेना पड़ता होगा। नाश्ता नहीं बनाया, सिर्फ ये चाय बनाया क्योंकि कमर की हालत इतनी सही नहीं है। मौसम ऐसे ही बना हुआ है, क्लाउडी क्लाउडी, सुस्ताया हुआ दिन होता है ना एकदम ही वैसे, लेकिन अच्छा सा हो रहा है मौसम। इस टाइम बाइक होनी चाहिए थी भाई साहब, बाइक होके ना उड़ जाना चाहिए था। और इस तरफ भी है भाई, मुंबई की तरफ खंडाला हो गया, फिर आपका लोनावला हो गया, फिर और थोड़ा आगे चले जाओ तो पंचगनी वगैरह है, तो फिर एक टाइम पे बाइक आएगी तो भाई वहां भी लेके चलेंगे। और फिर अगर नियरेस्ट समुंदर किनारे जाना है तो फिर अलीबाग है, फिर एक पहाड़ी सामने ही है माथरन है, तो वो सब भी लेके चलेंगे एक बार, थोड़ा सा सेटल हो जाए और जिंदगी किस तरफ जाती है वो सारी चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। विश है और आप लोगों का प्रार्थना है, तो आप लोग साथ में हो तो फिर चीजें ना थोड़ी जल्दी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ना ऊपर वाले से ना सिफारिश कर दो मेरे लिए। संगीत के वहां जा रहा हूँ और मौसम देखो बहुत ही औसम हो रहा है एकदम मस्त। कमर में जो क्रैम्प आया हुआ है अभी थोड़ा बेटर है, लेकिन साइकिल नहीं चला रहा हूँ इसलिए कि दोबारा ना हो जाए। कल का तो पेन है लेकिन नहीं चलूंगा तब भी मुश्किल है, इसलिए थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। और सामने जीवदानी माता जी है पहाड़ों के ऊपर, और ये सामने एम्यूजमेंट पार्क है या ज़ू पार्क, मुझे लग रहा है कि आज खुल गया है ये, तो देखो पब्लिक दिख रही है। संडे का दिन है तो सब अच्छा ही होगा, चलो सबके बिजनेस खुले, काम धंधे खुले, जिंदगी खुशहाल हो। और चलते चलते पहुंच ही गया मैं। और ये सीओसी कर क्या रहे संगीत बाबू, कर क्या रहे, और बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है भाई। हैप्पी दिवाली, फोन पे तो हो गई थी तो मिलना नहीं हुआ था। और ये देखो, ये मैंने बैगन भाजा के लिए बैगन काट लिया। और बहुत लोग कहेंगे कि अकेला हफ्सियों की तरह इतना खाएगा क्या, नहीं भाई तीन टाइम खाएंगे।